नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय इतिहास मौर्य वंश, महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्योत्तर भारत, मौर्य काल के सब प्रश्न साथ में करेंगे। इससे पहले मौर्य वंश चला था, एक तरफ से टोटल चैप्टर आपको करवा दिया जाएगा, एक एक प्रश्न, और अच्छी तरीके से सबको समझाया जाएगा। अगर नहीं समझे तो कॉमेंट करके ज़रूर करें, कोशिश रहेगा कि आपको बेहतर समझाया जाए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ये मौर्योत्तर काल का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति है, और मनुस्मृति के रचयिता जो थे वो मनु थे। जब ये मनुस्मृति लिखा गया था तो उस समय का काल 184 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, 184 बीसी से 100 बीसी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद दोस्तों उसका उत्तराधिकारी शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग हो गया था, तो शुंग वंश हो गया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त की हत्या जो थी करके पुष्यमित्र शुंग ने एक नवीन वंश की स्थापना की थी जिसका नाम शुंग वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान ले लिया? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन चला था और उसकी शुरुआत शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक दोस्तों देवभूति है, देवभूति है शुंग वंश का अंतिम शासक। इसकी हत्या वासुदेव द्वारा 75 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। देवभूति की हत्या 75 बीसी में वासुदेव ने कर दी थी और उसके उपरांत वासुदेव ने कन्नव वंश की स्थापना कर दी देवभूति की हत्या के बाद। ये आपके डी नंबर में ऑप्शन था जो बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र शातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र शातकर्णी यह जो था सातवाहन वंश का शासक था। अब इसके बारे में जानते हैं, गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां सबसे महान शासक था। उसने अपने एकमात्र ब्राह्मण शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर कर दिया। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इनकी मां वल्श्री की नौसिक प्रस्ती से मिलती है, नौसिक प्रस्ती अभिलेख से मिलती है। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा था गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। आइए आगे देखते हैं, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट आंसर है। शीशे के अतिरिक्त सातवाहन शासकों ने पोटीन, तांबा एवं कांस्य की मुद्राओं का भी निर्माण किया था। नेक्स्ट, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है कनिष्क का राज्यारोहण प्रकट करता है, कनिष्क का शासनकाल, ऑप्शन नंबर एक। इसका समय 78 ईस्वी था जो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि भी है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। भारतीय संविधान ने शक संवत को 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया था भारत सरकार ने। आइए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को हम शक संवत के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अशक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, प्रारंभकर्ता कनिष्क,
नेक्स्ट है, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? शक संवत का प्रारंभ किस वर्ष से शुरू हुआ? तो यह ईसा की जन्म के 78 वर्ष बाद शक संवत का प्रारंभ हो गया। कुषाण वंश का शासक कनिष्क प्रथम ने शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शक अथवा शकाद संवत प्रचलित किया था। इसे शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। शक संवत को शालिवाहन संवत भी कहा जाता है, शालिवाहन संवत। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है शक पंचांग का प्रथम मास होता है। शक पंचांग का प्रथम मास चैत होता है। अब अन्य मासों के नाम बता रहा हूं, इसके बाद क्रमशः बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, आसीन, कार्तिक, माघ शीर्ष, पौष, माघ व फागुन महीने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से उल्लेख होता है वासुदेव का। हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से वासुदेव का उल्लेख मिलता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। हेलियोडोरस जो था वह तक्षशिला के यवन शासक एंटियाकिडस का राजदूत था। एंटियाकिडस का राजदूत हेलियोडोरस था, एंटियालकिडस इसका राजदूत था, हेलियोडोरस, जिसने बेस नगर में वासुदेव के सम्मान में गरुण ध्वज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ चरक ने लिखा था, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। अब चरक कौन थे? तो चरक आयुर्वेद के मर्मज्ञ, महान आयुर्वेदाचार्य थे। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, चरक, जिन्होंने औषधि शास्त्र पर एक प्रसिद्ध पुस्तक चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता की रचना की, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। और चरक को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? कागज बनाने की कला को ईसा पूर्व द्वितीय सदी में सर्वप्रथम चीनियों ने खोजा था, जो आपके ऑप्शन नंबर एक में। आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया की खोज जिंग जांग ने, पेपर वाला, पेपर की प्रक्रिया की खोज जिंग जांग ने 50 से 121 ईसा पूर्व में की थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचनाओं में सहायता प्रदान की है? गंधार कला की रचनाओं में सहायता प्रदान भारतीय एवं यूनानी कला ने की थी, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही आंसर है। ईसा की दूसरी शताब्दी के बाद उत्तर पश्चिमी भारत यूनानियों के संपर्क में आने लगा। भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के मिलन से ही गंधार कला की उत्पत्ति हुई। भारतीय और यूनानी कला के मिलने से गंधार निकलता है, गंधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम संवत एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत 57, शक संवत 78, 135, क्योंकि विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी, बीसी लिख देता हूं, ये एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी पेशावर थी, ऑप्शन नंबर डी। अब कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ।
और इसकी राजधानी पेशावर, जिसे पुरुषपुर के नाम से है, पुरुषपुर थी। और कनिष्क की द्वितीय राजधानी मथुरा थी एवं उसके शासन का मुख्य केंद्र भी मथुरा ही था। कनिष्क की द्वितीय राजधानी मथुरा, मथुरा द्वितीय राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराए थे? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया है? कनिष्क ने, आपके ऑप्शन नंबर एक। देखिए, कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रख लिया, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था। अब यह मार्ग उसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि इससे जाने वाले व्यापारी बहुत अधिक कर देते थे। इस सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलिया के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। फलतः उत्तर पश्चिम भारत एक अत्यंत समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। गंधार कला, मथुरा कला, ये सब कला का विकास कनिष्क के समय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। कनिष्क बौद्ध मतानुयायी था तथा उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार साम्राज्य के साधनों से कराया। बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को अशोक के समान बताया गया है, अतः द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। क्वेश्चन है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहर चलाई थी? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही आंसर है कि कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण का मुद्रा जारी किया था। अब देखिए, इस स्वर्ण मुद्रा आता कहाँ से था और इतना स्वर्ण मुद्रा कुषाण के पास आया कहाँ से? तो कुषाण के पास जो था स्वर्ण मुद्रा का बृहत भंडार था, जिसे कुषाण शासकों ने एशिया के अल्टाई पहाड़ों पर और रोम से प्राप्त किया था। रोम और अल्टाई पहाड़ से प्राप्त किया था, रोम अल्टाई पहाड़ से कुषाण शासकों ने स्वर्ण प्राप्त किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ कुषाण शासक, सर्वप्रथम वह कुषाण शासक था विमकडफिसेस, जिसके काल में स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम बना था, तथा कनिष्क के समय में आते आते कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे, और कनिष्क के समय आते आते स्वर्ण मुद्रा भारी मात्रा में निर्माण होने लगा, और कुषाण काल की स्वर्ण मुद्रा की शुद्धता सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए, कलिंग वंश के महान शासक खारवेल थे। हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग प्रदेश के शासक खारवेल का उल्लेख मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा, खारवेल जो था वह चेदी वंश का शासक था। खारवेल की उपाधियां जो थी वह था महाराज, महामेधवाहन एवं कलिंगधिपति, ये खारवेल का उपाधि था। और वह खारवेल जो था जैन धर्म का संरक्षक था। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं रिलेटेड, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए ये क्वेश्चन, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं, वंश है मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। तो देखिए, मौर्य वंश जो था उसके काल में बता रहा हूँ, मौर्य वंश का काल 323 से 184 ईसा पूर्व तक रहा, और शुंग वंश का 185 से 73 ईसा पूर्व तक रहा, और कुषाण वंश का 58 ईसा पूर्व से 174 ईस्वी तक रहा,
और गुप्त वंश का 319 से 550 ईस्वी तक रहा। इसीलिए सबसे प्राचीन इसमें हो गया मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त। एक बार लिख भी दे रहा हूँ, मौर्य वंश का हो गया 323 से 184 बीसी, उसके बाद आ गया शुंग वंश, शुंग वंश का आ गया आपका 185 से 73 बीसी, उसके बाद आ गया कुषाण का 58 बीसी से 174 ईस्वी, और गुप्त का 319 से 550 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। उसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था, 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक था, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर है। वे श्री गुप्त जो थे वे एक सामंत राजा थे, उन्हीं के नाम से आगे इस वंश का नाम गुप्त वंश पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इतिहासकार स्मिथ ने कहा था, स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक था, जिसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। समुद्रगुप्त को वीणा वाले मुद्राओं पर बजाते हुए देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाने जाते थे। विक्रमादित्य ने 375 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था, 375 से 415 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अब कैसे ये उपाधि मिली? तो गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, एवं चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की कुछ उपाधियों के बारे में बताते हैं। तो उनकी उपाधि थी विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत के नाम से जाना जाता था उसे। ये उपाधि बहुत ही प्रचलित हुई, और ये विक्रमादित्य दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है, गुप्त काल को, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अब क्यों कहा जाता है, देखिए, गुप्त काल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति काफी अच्छी थी। चारों ओर शांति का माहौल था। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी, जिसके कारण भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौ स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौ स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाए थे, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में है। देखिए, यह लौ स्तंभ जो है यह मेहरौली दिल्ली में है, मेहरौली दिल्ली, ब्रैकेट में दे दीजिए दिल्ली। दिल्ली का लौ स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसकी विशेषता यह है कि आज भी इसकी चमक, जो बनवाया था इन्होंने, वह धुंधली नहीं हुई है। इस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कुतुब मीनार के पास मेहरौली में लौ स्तंभ बनवाए थे, वह अभी तक धुंधला नहीं हुआ है और उसमें चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। अब देखिए, गुप्त राजाओं जो सिक्के जारी करते थे वे रूपक कहलाते थे। अब इनका निर्माण छत्रप सिक्कों की तरह किया जाता था। इन सिक्कों का वजन कितना था? क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के का वजन कितना था। तो इस सिक्के का वजन 30 ग्रैन से 35 ग्रैन तक होता था लगभग में, सिक्के का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, वराहमिहिर थे एक महान कवि, खगोलविद, दार्शनिक, ज्योतिषी। तो वराहमिहिर एक प्रसिद्ध खगोलविद थे। अब ये कब के खगोलविद थे? तो 6वीं सदी में ये खगोलविद थे। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र पर बहुत से पुस्तक लिखे, उनमें कुछ पुस्तक के नाम बता रहा हूँ, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका। बृहत संहिता में क्या है प्रश्न देखिए, बृहत संहिता नामक बुक लिखा, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता में क्या है, इसमें नक्षत्र विद्या का उल्लेख है। नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और प्रकृति इतिहास जो होता है, भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन मिलता है बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फायन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अब ये कब आया था, क्यों आया था, वो जानते हैं। चीनी यात्री फायन जो था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में लगभग 399 ईस्वी में भारत आया था। 399 एडी, ईस्वी को एडी कहते, आया था तथा 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों का उसने भ्रमण किया। 414, इसका जो उल्लेख था वह था कि बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करना तथा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए जगहों का देखना और उनके बारे में शिक्षा प्राप्त करना था। फायन का जन्म जो था वह चीन के वुयांग नामक स्थान पर हुआ था। फायन का जन्म, क्वेश्चन पर एकदम ध्यान लगा के सुनिए, फायन का जन्म चीन के वुयांग नामक स्थान पर हुआ था। लिख देता हूँ, वुयांग, फायन का जन्म यहीं हुआ था, वुयांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, उल्लेखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? आपके सामने दिए गए चार ऑप्शन, इसमें से पहले कौन था, उसके बाद कौन था और उसके बाद कौन आया,
तो देखिए, इस ऑप्शन के अनुसार समुद्रगुप्त के पश्चात उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, वे राजा बने थे, और उनके पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राजा हुए। कुमारगुप्त के बाद जो था वह स्कंदगुप्त राजा हुआ, इसलिए ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके समय हुआ था, आखिर कौन था वह वजह? तो इसमें हून आक्रमण जो था वह गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था। वो कैसे देखते हैं, सुनिए। गुप्त साम्राज्य के पतन में हूनों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेख है। स्कंदगुप्त ने हूनों को परास्त तो किया था तथा उसने उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करने का भी प्रयास किया, नहीं किया। बार बार हूनों के आक्रमण के बावजूद गुप्त राजाओं ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो स्कंदगुप्त ने आक्रमणकारी हूनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। अब स्कंदगुप्त के बारे में कुछ बताते हैं। स्कंदगुप्त एवं हूनों के मध्य जो था संघर्ष के विषय में जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, चंद्रगर्भ परीक्षा अभिलेख एवं चांद्र व्याकरण तथा कथा सरित सागर में प्रकाश पड़ता है। जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को मल्लेच कहा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है, किस अभिलेख में हूनों को मल्लेच के नाम से जानते हैं, या किस अभिलेख में हूनों को मल्लेच का उल्लेख मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त ने हूनों को परास्त करने के पश्चात कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी, कर्मादित्य। ये स्कंदगुप्त की उपाधि थी। इस विजय के उपलक्ष में उसने सारंग धारण करने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति भीतरी स्तंभ, जिसे जूनागढ़ विलेख के नाम से जानते हैं, उसमें स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन शासनकाल में नाटककार थे, ऑप्शन बी है गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है गुप्त काल के कवि थे। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। देखिए, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन संस्कृत के महान विद्वान एवं कवि थे। कालिदास किसके समकालीन थे? विक्रमादित्य के समकालीन थे, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक बुक की रचना की थी, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध डैश थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे। उन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की, और इनकी पुस्तक सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टियम प्रसिद्ध है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? तो कुमार गुप्त जो था वह गुप्त शासक में शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था। कैसे? गुप्त काल का लगभग 40 वर्ष का शासन शांति एवं सुव्यवस्था का काल माना जाता है। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया उसे कुमारगुप्त ने सुसंगठित ढंग से एवं सुशासित बनाए रखा तथा उसने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैनसोंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चीनी यात्री हैनसोंग ने हर्षवर्धन के समय में भारत का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चीनी यात्री हैनसोंग जो था वह 629 ईस्वी से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में रहा। उसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। कन्नौज की धर्म सभा का वह अध्यक्ष भी बना जिसका उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांत का प्रचार करना था। उसने हैनसोंग ने सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की थी। हैनसोंग ने सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की। और भारत में वह लगभग 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। सी यू की में उसने 138 देशों का वर्णन किया है। उसके अनुसार उस समय हर्षकालीन समाज जो था उसका वर्णन उसने विशेष रूप से हैनसोंग ने किया। और उसके अनुसार उस समय सिंध का राजा शूद्र था। हैनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। कुछ और क्वेश्चन, हैनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय जो था नालंदा बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया था? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, किस बौद्ध संत और चीन से आए भारत तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था? तो वह जो था वह था आई चिंग। ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न उठता होगा कि ये आई चिंग किसका नाम है और ये आई चिंग है कौन? आई चिंग को इतिसंग के नाम से जानते हैं। इतिसंग लिख देता हूं, इतिसंग के नाम से आई चिंग को जानते हैं। यह जो था 700 से 712 ईस्वी के मध्य लगभग 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया था। हैनसोंग के पश्चात इतिसंग ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे यह कहा था? तो सर्वप्रथम यह हैनसोंग ने कहा था जो आपके ऑप्शन नंबर एक में करेक्ट आंसर है। चीनी यात्री हैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की के नाम से जानते हैं जिसमें 138 देशों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रमण है? मेगास्तनीज, फायन, हैंसोंग, इत्संग, थॉमस रो। तो इसमें सही कालानुक्रमण जो है वह आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है, हैंसोंग, इत्संग, थॉमस रो। अब मैं इस सब का शासन काल आपको बता देता हूँ, कब से कब तक कौन आया कौन रहा। सिर्फ सुनिए, मेगास्तनीज जो था वह सर्वप्रथम 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, मेगास्तनीज। उसके बाद फायन, देखिए फायन 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, उसके समय आया था। हैंसोंग पहले भी बता चुके हैं, 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय आया। इत्संग भी बता चुके हैं, 700 से 712 ईस्वी में। रहा थॉमस रो, थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी के मध्य मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का प्रतिनिधि था। ऑल टू ऑल क्वेश्चन सॉल्व। मेगास्तनीज 305 बीसी, हैंसोंग आपका 375 से 415, उसके बाद रहा फायन का, हुआ फायन का 375 से 415, हैंसोंग 629 है और इत्संग का 700 से 712 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने शासन किया था, हर्षवर्धन ने लगभग 7वीं शताब्दी के दौरान भारत पर शासन किया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर है। अब देखिए 7वीं सदी में कब शासन किया था? हर्षवर्धन जो था पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी 606 से 647 तक शासन किया था, 606-647। इसकी राजधानी कन्नौज थी, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अब बाणभट्ट कौन था? देखिए हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे और उन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की। हर्षचरित में किसका वर्णन आता है? वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत हर्षचरित है। हर्षचरित इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम प्रयास जो था, सफल प्रयास कहा जाता है। इसमें हर्षचरित में 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 3 उच्छ्वास में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी तथा शेष 5 में सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है। सिर्फ आप सुनिए, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो बाणभट्ट आपके ऑप्शन नंबर डी, दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय रहे थे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक का नाम रत्नावली है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में है। और हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? हर्षवर्धन ने पुलकेसिंह द्वितीय को हराया था, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। अब इस कैसे हराया था, देखिए हर्ष और पुलकेसिंह द्वितीय के बीच 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ,
जिसमें हर्ष की पराजय हो गई, ठीक। परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच होने वाला युद्ध अंतिम युद्ध यह नहीं था जो हुआ था 634 में। 643 ईस्वी में हर्ष का कोगोंद पर आक्रमण पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध हुआ था, जिसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला ले लिया तथा पुलकेशिन द्वितीय के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहां पर स्थित था? तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ नालंदा में स्थित था, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए, नालंदा बौद्ध मठ जो था वह गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 से 454 स्थापित कराया था, वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में भी स्थित था। कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में कौन बंगाल का समकालीन राजा था? उस समय बंगाल का समकालीन राजा शशांक था, जो आपको ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है। देखिए, शशांक को बंगाल का यशस्वी शासकों में गिना जाता था, और उस समय बंगाल की राजधानी जब शशांक शासन कर रहा था तो कर्ण सुवर्ण थी, और उस कर्ण सुवर्ण की पहचान आज वर्तमान में मुर्शिदाबाद के नाम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, 52 नंबर है क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? वह शहर हर्ष के समय सबसे अधिक प्रसिद्ध जो हुआ वह कन्नौज था। देखिए, कन्नौज शहर का प्राचीन काल में नाम कौन्यकुब्ज था। कौन्यकुब्ज लिख देता हूँ, कौन्यकुब्ज था कन्नौज शहर का प्राचीन काल में नाम, जो ब्राह्मणों का भी केंद्र था। यह कन्नौज शहर 7वीं सदी में जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था तो उस समय काफ़ी यह फला फूला था। 7वीं से 12वीं सदी तक इसका अनवरत विकास होता रहा, और हर्ष से पहले कन्नौज को मौखरी शासकों ने राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाओं की प्रथम राजधानी थी, गंगाओं की प्रथम राजधानी कोलर थी, कोलर को कुवलाल भी कहा जाता है। कुवलाल पहली राजधानी ये थी, और दूसरी राजधानी गंगाओं की जो थी वह तलकाडू थी। तलकाडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप असम का प्राचीन नाम है, असम का एक और नाम है वह है प्राग ज्योतिषपुर। असम का एक और नाम है वह है प्राग ज्योतिषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश का संस्थापक बना, और गोपाल का पुत्र धर्मपाल हुआ, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। आइए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का प्राचीन नाम गौंड था, और यह गौंड बंगाल का प्राचीन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय बंगाल में प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होता था। 9वीं से 10वीं सदी में पाल वंश भी शासक किया करते थे। हर्ष का समकालीन राजा शशांक जो था वह गौर नरेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता इलिंगो अदिगल हैं। इलिंगो फुल नाम लिख रहा हूं, इलिंगो अदिगल। ये जो शिल्पाधिकारम है ये किस पर रचित पुस्तक है? देखते हैं, यह जो है पुस्तक शिल्पाधिकारम, यह एक धनी व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी का वर्णन करता है, जिसको इलिंगो ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल रामायण कृति है, तमिल रामायण कंबन की कृति है,
अब ये कंबन जो था चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के शासनकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते थे कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजा जिसे गंगई कोंड के नाम से जाना जाता है वह राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम को गंगई कोंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने पूर्वी भारत में गंगा नदी तक सफल सैनिक अभियान के पश्चात गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो श्रीलंका पर सबसे सफल आक्रमण जो था वह राजेंद्र का हुआ था, और जिस समय आक्रमण हुआ था उस समय श्रीलंका का पराजित राजा महिंद पंचम था। महिंद पंचम, महिंद पंचम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक राजराजा द्वितीय हुआ। राजराजा प्रथम का शासनकाल 985 से 1015 रहा, और राजराजा द्वितीय का शासनकाल जो था वह 1150 से 1173 तक रहा, इसलिए अंतिम शासक यही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? ग्रामीण समुदाय का जैसे ही अधिकार की बात आई तो चोल वंश के समय ऐसा था क्योंकि ग्रामीण प्रशासन के लिए चोल वंश काफी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नौसैनिक शक्ति थी? तो नौसैनिक शक्ति जो था वह चोल वंश के समय काफी प्रचलित था। इसी नौसैनिक शक्ति की प्रबल के बल की सहायता से चोल वंशों ने जावा, सुमात्रा, मालद्वीप, श्रीलंका आदि साम्राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। चोल राजवंश एक सुसंगठित स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूट वंश को तैलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। तैलप द्वितीय का शासनकाल बता रहा हूँ, 973 से 74 में चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो था कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरै थी, जो पांड्यों की राजधानी भी थी। मदुरै पांड्यों की राजधानी भी थी और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी था। हेनसोंग ने कदम्ब वन नामक नगर का नाम मलकूट नाम से उल्लेख किया है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राज्य की राजधानी थी, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। यह कांचीपुरम वर्तमान में तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के जनपद में है। हेनसोंग के अनुसार इस कांचीपुरम में 100 से भी अधिक बौद्ध बिहारों एवं 10,000 से भी अधिक भिक्षुक निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद राष्ट्रकूट का साम्राज्य आया था। उस समय राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी, मान्यखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी थी। आपके ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर दिया गया है। यह बादामी और वातापी जो है वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित कर दिया था। प्रत्येक क्वेश्चन को समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया, वहां था पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया और यहाँ पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था जबकि मालवा में परमारों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे, काकतीय वंशी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के शासक थे। काकतीय लोग जो थे वे स्वयं को चोल करिकल का वंशज मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच कौन सा बेमेल है, तो यहाँ पे बेमेल पहले आ गया, पांडे वंश की राजधानी मदुरै है, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है और यादव देवगिरी की राजधानी काकतीय वारंगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, तो कल्लर ने स्थापित किया था, आपके ऑप्शन नंबर बी में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और कल का टॉपिक है सल्तनत काल।